दोस्तों आज की कहानी है सासु माँ अब मोह माया को छोड़ आश्रम चली जाओ, हमें सुकून से जीने दो। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। शिरीष कई दिनों से तेरे पिताजी को तेज खांसी चल रही है, बहुत दिनों से मैं घरेलू इलाज भी कर रही हूँ पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तू डॉक्टर को दिखा कर ले आ, कोई टेस्ट भी होता है तो वो भी करवा ले ताकि इन्हें आराम मिल जाए। रात भर ये खांसते ही रहते हैं, परेशान हो जाते हैं। सरिता जी ने अपने बड़े बेटे से कहा, मम्मी मेरी आज एक मीटिंग है, उसके लिए तैयारी कर रहा हूँ, मेरे करियर का सवाल है, आप छोटे को बोल दीजिए वह डॉक्टर को दिखा कर ले आएगा, मेरे पास समय नहीं है इन सब। कामों के लिए ये कहकर सीरीज लैपटॉप में काम में लग गया। फिर थोड़ी देर बाद बोलता है कि आप राजीव को बोल दीजिए, उसके पास काम भी क्या है, वह पापा को दिखा कर ले आएगा। अंदर कमरे से राजीव फोन पर बात करते हुए बाहर आता है और एक हाथ से जूते पहनने लगता है। हाँ यार आ रहा हूँ, तू चिंता मत कर, अपनी मूवी नहीं छूटेगी माँ, मैं दोस्तों के साथ मूवी देखने जा रहा हूँ, दोपहर का खाना भी बाहर खाऊंगा, वैसे मैंने निया को भी बोल दिया है। खांसी सरिता के शब्दों को अनसुना करके राजीव चला गया। खांसी की तेज आवाज सुनकर सरिता जी कमरे की दौड़ी और गर्म पानी अपने पति केलाजी को पिलाया, साथ ही मुंह में एक अदरक का टुकड़ा रख दिया। अंदर से बड़ी बहू अलका के सिलाने की आवाज आ रही थी, मम्मी जी पिताजी को कहिए थोड़ा धीरे, खांसी मुन्ना अभी सोया ही है, फिर से जाग जाएगा। एक आवाज छोटी बहू निया की भी आती है, मैं टीवी देख रही हूँ, आप कमरा बंद कर लीजिए, पिताजी बड़ी तेजी से खांसे जा रहे हैं। सरिता जी सुबके से कमरा बंद कर लेती हैं और अपने पति की हालत देखकर उनकी आंखें भीग जाती हैं। दोनों बेटे और बहुओं को उनकी जरा भी परवाह नहीं है, अपने पिता की हालत पर जरा भी दया नहीं आती है। दोनों बेटे ही जब पत्र दिल हो गए हैं तो बहुओं को क्या बोले, जब अपने ही खून को दर्द का एहसास नहीं हो रहा है तो बहू तो फिर भी पराया खून है। सरिता जी की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे, वह एक दिन हिम्मत करके तैयार हो गई थी और अपने पति के लाजी को दिखाने के लिए अस्पताल ले जा रही थी। दोनों बहुओं ने टोक दिया कि बेटे के होते हुए आप अपने पति को दिखाने ले जाएगी, समाज और रिश्तेदारों में हमारी नाक कट जाएगी। सरिता जी के बढ़ते कदम पीछे रुक गए, उन्होंने पहले बड़े बेटे सीरीज से कहा, फिर छोटे बेटे राजीव से कहा। दोनों ही सुनकर भी अनसुना कर रहे हैं और देखकर भी हम देखा कर रहे। सरिता के कानों में समाज और रिश्तेदारों की बातें गूंज रही थी। जब उन्हें पहला बेटा सीरीज हुआ तो ससुराल में उनके बड़े लाड़ साहब हुए, उनकी जेठानी को तीन बेटियां थी और सास अपने पोते का मुंह देखने को तरस गई थी। सीरीज के होते ही वह झूम कर नाचने लगी, गली मोहल्ले में लड्डू बंटवाए, खुशियां मनाई गई। सरिता जी भी खुश थी क्योंकि उनकी सास खुश थी, बड़ी किस्मत वाली हो भाभी। मालिश करते हुए रामावती ने कहा, जो आपके बेटे की मालिश हो रही है और अम्मा जी आपके खान पान का इतना ख्याल रख रही हैं, वरना बड़ी भाभी के जब लड़कियां हुई ना तो मालिश की गई ना ही अम्मा ने लड्डू बनाकर खिलाया। सरिता के आने से पहले उसकी जेठानी को तीनों बेटियां हो चुकी थी। सीरीज का अम्मा खूब लाड़ लड़ाती थी, वह साय कितनी भी शैतानी क्यों ना कर लेता था उसे कभी डांट ना पड़ने देती, सूखे मेवे और दूध उसे खिलाती पिलाती रहती थी। अम्मा की गोद में सिर्फ सीरीज के लिए जगह थी, बाकी की पोतियां सिर्फ दूर से ही उन्हें देख सकती थी, एक भी पोती को अम्मा पास नहीं
फटकने देती थी। सरिता की दूसरी संतान भी बेटा हुआ। अब तो अम्मा और भी ज्यादा सरिता से खुश रहने लगी। बड़ी किस्मत वाली हो जो बेटा हुआ है। बुढ़ापे का सहारा आ गया है। बेटी होती तो सलीब जाती। अब तो बेटों के बड़े होने का इंतजार कर बहुएं आएगी और मन से सेवा करेगी। सरिता जी सब सुनती रहती और अपना काम करती रहती। जिस तरह का समय चल रहा था वह घबरा जाती थी, पर केला जी उन्हें हिम्मत देते थे। अब अम्मा बूढ़ी हो गई थी, दोनों भाई उनके पास न फटकते थे, उनकी एक भी नहीं सुनते थे। अपनी ही पढ़ाई और दोस्तों में व्यस्त रहते थे। जेठानी की बेटियां बड़ी हो गई थी। तीनों की अच्छे घरों में शादी के कामों में लगकर समय बिता रही थी। इधर सीरीज और राजीव की भी उसी शहर में नौकरी लग गई थी। अम्मा एक दिन सल बसी दोनों पोते का ब्याह देखने का सपना बस सपना ही बनकर रह गया था। कुछ समय बाद सीरीज की शादी हुई और अलका बहू बनकर घर आ गई। सरिता जी के जेठ जेठानी तीनों बेटियों की शादी कर चुके थे। वह दोनों कुछ सालों के लिए हरिद्वार जाकर आश्रम में रहने लगे, प्रभु भक्ति में मन लगाने लगे। तीनों बेटियां सरिता जी के पास ही रहने आती थी क्योंकि अब वह ही उनका मायका था। राजीव ने भी अपनी पसंद की लड़की निया से शादी कर ली थी। अब घर में केला जी सरिता जी और दोनों बेटे बहू भी थे। इतने बड़े घर में जहाँ इतने लोग रहते थे, अब कुछ ही लोग रह गए थे। जितने मन से सरिता जी बहुएं घर लाई थी वह उतनी ही जुबान की कड़वी निकली। दोनों बहुओं की आपस में एक ना पड़ती थी। काम को लेकर तना तनी सी चलती रहती थी। दोनों एक दूसरे का एक भी काम ना करती थी। इस वजह से घर में कलह रहता था। अपने अपने पति के कान भरती रहती थी। वह दोनों भाई भी एक दूसरे के खिलाफ जहर उगलते थे। घर अभी भी केला जी की कमाई से सज रहा था। दोनों भाई घर में पैसा नहीं देते थे, पर अपने मौज मस्ती और पार्टियों पर खूब खर्च कर देते थे। और केला जी भी अपनी नौकरी से रिटायर हो चुके थे। अब वह सारा दिन घर पर ही रहा करते थे। इससे बहुएं गुस्से में रहती थी। पिताजी सारे दिन घर पर रहते हैं, आप उनसे कहिए ना कुछ घंटे घर से बाहर रहे, सामने पार्क में ही जाकर बैठ जाया करे। दोनों एक साथ सरिता जी से बोले, सुबह शाम घूम तो आते हैं, अब दिन भर तो घर से बाहर नहीं रह सकते। फिर धूप भी कितनी है, अपने ही घर में क्या नहीं रह सकते हैं। दोनों मुंह बना लेती थी, पर अब ये रोज का ही हो गया है। दोनों बहुएं क्लेश करने लगी थी। सरिता जी एक दिन रात को केला जी के लिए हल्दी का दून बना रही थी। अलका ने हाथ रोक लिया, पिताजी कोई बच्चे हैं जो दोनों समय दूध पियेंगे, सुबह भी तो पिया था, फिर हमारे बच्चे क्या पियेंगे। सरिता जी उदास चेहरा लेकर कमरे में आ गए। केला जी ने सब सुना तो उन्हें भी विश्वास नहीं हुआ। वह काफी दिनों से दोनों बहू और बेटों की हरकतें देख रहे हैं। उन्होंने मन ही मन एक फैसला लिया और सरिता जी को समझाया। अगले दिन सरिता जी रसोई में लड्डू बना रही थी। निया ने देख लिया और पूछने लगी, मम्मी जी ये लड्डू किस लिए बना रही हो? वह सर्दी आ रही है और तुम्हारे ससुर जी का भी मन कर रहा है। वो आप तो पूरे महीने के लिए आया, देसी घी एक ही महीने में खत्म कर दोगी। आपको तो पता भी ना होगा कि घी कितना महंगा हो गया है। सरिता जी उस दिन गुस्से में बोली पड़ी। मैं नहीं बोलना चाहती थी, पर तो दोनों ने मुझे मजबूर कर दिया है। आखिर आज भी इस घर का खर्च मेरे पति उठा रहे हैं। घी कितना महंगा हो गया है मुझे ये तो पता नहीं है, पर मुझे ये पता है कि घी मेरे पति के पैसों से आया है, तुम्हारे पति के पैसों से नहीं। दूध बच्चे ही क्यों, बड़े भी तो सब पी सकते हैं। बड़े बुजुर्गों का मन भी बच्चों जैसा ही होता है, वह भी मसल सकता है, और दूध भी मेरे पति की कमाई से आता, तो तुम मुझे मना नहीं कर सकती हो। ये याद रखो बहू, तुम
सब हमारी कमाई पर पल रहे हो, हम तुम पर निर्भर नहीं है। तुम साओ तो ये घर छोड़कर जा सकते हो, हम दोनों तो एक दूसरे का सहारा बनकर रह लेंगे। अच्छा, हम ऐसे कैसे घर छोड़कर चले जाएं? आखिर इस घर पर जायदाद में हमारा भी हिस्सा है। निया बोली, हम इस घर में रह रहे हैं तो भी हमारा घर है। ऊपर अलका भाभी रह लेगी और नीचे हम रहेंगे। आप भी ताईजी और ताऊजी के पास हरी दवार क्यों नहीं चले जाते हो ताकि हम सेन से रह सके? अब तो इस घर को और वो माया को छोड़कर चले जाओ। पिताजी दिन भर खास कर हमें परेशान करते रहते, एक पल को भी हम सुख से रह नहीं पाते हैं। हमारी जिंदगी की खुशियां ही छिन गई है, निया बोले जा रही थी। तभी अलका भी आ गई और वह निया का साथ देने लगी। हाँ मम्मी जी, अब आपको इस उम्र में ना जाने किसका मोह बसा है, आप भी घर छोड़कर चली जाओ और हमें जीने दो। घर छोड़कर चली जाओ, क्यों चली जाओ? इस घर को मैंने और भाभी जी ने बनाया है, वह मेरे भरोसे घर छोड़कर गई है। अभी उनकी बेटियां यही मायके में आती हैं। मैं तुम जैसी बहुओं के लिए अपनी बेटियों से उनका मायका नहीं छीन सकती हूँ। फिर जेठ जी और जेठानी जी कुछ सालों के लिए हरिद्वार गए हैं, वह कभी भी यहाँ आ सकते हैं। और ये घर अकेला तुम्हारा नहीं है, ये घर तो तुम्हारे ससुर जी का और उनके बड़े भाई साहब का है। इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। तुम जब फर्ज नहीं निभा सकते हो तो हक भी नहीं जता सकते हो। इतने में ऋषि और राजीव भी आ गए थे तुम्हारे पिताजी को डॉक्टर को दिखाने के लिए। तुम दोनों के पास समय नहीं है, पर मूवी और दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए बहुत समय मिल जाता है। जायदाद पर तुम लोगों का कोई हक नहीं है, ये जायदाद मेरे पति की है। और अभी वह जीवित थे तभी कैलाश जी कमरे से बाहर आ जाते हैं। सरिता बिल्कुल ठीक रही है, इस जायदाद में तुम दोनों का कुछ हक नहीं है, ये जायदाद मेरी है और मैं तुम दोनों को नहीं देना चाहता हूँ। मैंने बचपन से लेकर जवानी तक तुम दोनों की परवरिश की, तुम्हारी हर हिस्सा पूरी की। तुम दोनों जब बीमार होते थे तो मैं और तुम्हारी माँ रात रात भर जागते थे। जरा सी सर्दी खांसी हो जाती थी तो हम डॉक्टर के पास लेकर भागते थे। माँ बाप का ही सारा फर्ज होता है, बच्चों का तो कुछ फर्ज नहीं होता है। तुम जैसे नालायक बेटों को मैं ये जायदाद नहीं दूंगा। तुम इस घर और जायदाद के वारिस नहीं हो। हम दोनों के जाने के बाद ये बड़ा सा घर हमने एक वृद्धाश्रम को दान देने का संकल्प किया है। तुम्हारी तीनों बहनों के पास भी कोई कमी नहीं है, तुम्हारे ताईजी और ताऊजी ने भी इस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। तुम दोनों अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर जा सकती हो। 7 दिन का समय देता हूँ, घर खाली कर दो। तुम दोनों कमाते हो, अपने परिवार का खर्च चला सकती हो। मैं तो अभी तक उठा रहा हूँ, रिटायरमेंट के बाद मुझे अच्छी पेंशन मिलती है। हमें तुम दोनों की सेवा की कोई ज़रूरत नहीं है। माँ हमें हमारी तीनों बेटियाँ आकर संभाली लेगी और पैसा है तो नौकर साकर रख ही लेगी। सीरीस और हल्का राजीव और निया की बोलती बंद हो गई, वह कुछ ना बोल पाए। सारो पिताजी के पाँव में गिर गए। हमें माफ़ कर दीजिए पर कैलाश जी का मन नहीं पिघला। तुम सब किराए के मकान में रहो और अपनी जायदाद खुद खड़ी करो ताकि भविष्य में तुम जैसे नालायकों के बच्चे तुम्हें अपने घर से निकालने को नहीं कर सके। 7 दिनों बाद सभी घर से चले गए। अब सरिता जी और कैलाश जी आजाद थे, जो अपने ही घर में अपने बच्चों के कारण रोज दुख झेलते।